वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। कहते हैं बुरा समय भी कुछ ना कुछ अच्छा सिखा के जाता है। इस महामारी के दौर में हमें ये सीख मिली है कि हर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। भारत में अभी भी बहुत कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, और अगर हेल्थ इंश्योरेंस है भी तो वो भी अंडर कवर है, यानी अगर 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए तो उन्होंने 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। बीमारी कभी भी बताकर नहीं आती है। आजकल के दौर में बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, गलत खाने की आदतें लाइक एक्सेस अमाउंट ऑफ फास्ट फूड, स्ट्रेसफुल लाइफ और बहुत ज़्यादा काम कई सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है। ऐसे में अगर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए तो मेडिकल खर्च आपकी सेविंग पर भारी पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप किस सोच में बैठे हैं? अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया है? फ्रेंड्स, हेल्थ ही हमें वेल्थ देती हैं। बीमार होने पर कभी कभी हम इतना कर्ज में डूब जाते हैं कि खुद के साथ साथ पूरे परिवार को सड़क पर ला देते हैं। खेत, दुकान, मकान बेचने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे कठिन समय में अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो हम इन सब परेशानियों से बच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टार फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के बारे में बताऊंगी। इस प्लान में आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। जितना ज़्यादा सम एश्योर्ड होगा उतना ही ज़्यादा प्रीमियम होगा। पॉलिसी टर्म 1 साल का होगा, उसको हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा। कई प्लान्स में पॉलिसी टर्म 2 या 3 साल के भी होते हैं। इसमें आप, आपकी पत्नी और मैक्सिमम 3 बच्चे कवर कर सकते हैं, मतलब आप सबके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होंगे। बच्चे की उम्र 16 दिन से अधिक और 25 साल से कम होनी चाहिए और वो नॉन अर्निंग होने चाहिए। हॉस्पिटल में एडमिट होने पर सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम की सुविधा मिलेगी। अगर बिना एडमिट हुए एक ही दिन में कोई इलाज कराते हैं तो ऑपरेशन कराते हैं, आईसीयू ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो भी कवर होगा। हर बार एम्बुलेंस सुविधा के लिए आपको 750 रुपये मिलेंगे और मैक्सिमम 1500 रुपये मिलेंगे। एयरप्लेन एम्बुलेंस के लिए सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा, मतलब अगर सम एश्योर्ड 5 लाख है तो 50,000 रुपये मिलेगा। हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले का और हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के 90 दिन बाद का सारा मेडिकल क्लेम कवर होगा। कोई ट्रीटमेंट अगर एक दिन का है, जैसे कि कोई एक दिन का ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद की तरह, तो 3 दिन पहले का मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट है तो सम एश्योर्ड का 10% कवर होगा। यानी अगर 5 लाख का आपका बीमा है तो उसका 50,000 मिलेगा। अगर साल में आपने क्लेम नहीं लिया, मतलब आप स्वस्थ रहे, तो 1500 रुपये का हेल्थ चेकअप फ्री मिलेगा। नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी कवर होंगे, जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी, पर मैक्सिमम 15,000 रुपये मिलेंगे। क्लेम ना लेने पर पहले साल सम एश्योर्ड में 25% और फिर हर साल 10% बोनस ऐड होगा, और ये मैक्सिमम 100% तक ही जाएगा। मतलब अगर आपका बीमा 5 लाख का है और आपने पहले साल कोई क्लेम नहीं लिया है तो सेम प्रीमियम पर आपको अगले साल 5+1.25 यानी 6.25 लाख का बीमा मिलेगा। इस प्लान की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इस प्लान में पहले 4 साल तक पहले से हुई बीमारियां इंक्लूड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो वो 4 साल बाद ही कवर होगी। इस प्लान में पहले 30 दिन तक एक्सीडेंट के अलावा और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कवर नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।